नमस्कार दोस्तों, एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में चाहे इंटरनेट हो चाहे यूट्यूब हो, बहुत ही कम मात्रा में आपके डिटेल्स अवेलेबल हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सीपेट। सीपेट को हम कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपने ट्वेल्थ कर लिया है और अगर आप अब करियर के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज हैं, तो सीपेट भी एक आपके लिए बहुत अच्छा करियर हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीपेट के कॉलेज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, इसमें कौन कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर हमें इसमें एडमिशन लेना तो इसके लिए हमको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, इसमें आपकी फीस कितनी लगती है चाहे एग्जाम हो चाहे एग्जाम में एडमिशन लेने के बाद। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट बात बात करते हैं प्लेसमेंट की, आपको इसमें प्लेसमेंट मिलता है और अगर मिलता है तो कितना मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें आपको हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं, और अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया है, कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद आपको करियर के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं और किस में आपका करियर बन सकता है। तो सारी डिटेल्स हम जानेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, हिंदी भाषा में जानेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बराबर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सीपेट के बारे में सारी जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आप सीपेट की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि जो आपका सीपेट है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स जो आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है उसके अंतर्गत आपका आता है। यहाँ पे आप नरेंद्र मोदी जी और जो आपका हमारे मंत्री हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर सदानंद गौड़ा, और यहाँ पे आप श्री मुकेश मंडाविया, ये हमारे मंत्री हैं पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर, उनका फोटो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं इसकी सीपेट की, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को 1968 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था। इसको जो एक जो हमारा UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो उसके अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको इस्टेब्लिश करने का जो हमारा मेन मोटो था वो ये था कि उस समय जब इसको 1968 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, उस समय कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था हमारी कंट्री में जो कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा प्रोवाइड करता हो। तो इसके थ्रू आपको प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपका डिग्री एंड डिप्लोमा के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि ILO, उससे भी इसका कोलेबोरेशन है। इसके अलावा 1968 से 1973 में इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई इस कॉलेज पर उसको इस्टेब्लिश करने में। इसके अलावा और ये जो सीपेट का प्रोजेक्ट था जो कि UNDP का था, ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में से एक में गिना जाता है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन आपका वर्ल्ड वाइड किया गया है। लेकिन इसका मतलब है कि आपको दुनिया के लगभग हर एक कंट्री में सीपेट के कॉलेज मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आज की प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, तो आज सीपेट वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट हो गया, जहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है और आपको बहुत अच्छा करियर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये कॉलेज आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे आपको स्किल डेवलपमेंट की पूरी आपकी ध्यान रखा था, पूरा आपको स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे दिया जाता है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने पर आपको यहाँ पे प्लास्टिक के क्षेत्र में आपको डिजाइनिंग का कैड कैम और CAE का कोर्स करवाया जाता है। टूलिंग एंड मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लास्टिक पे आपको प्रोसेसिंग के कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लास्टिक की जो हमारी चीज़ें बनती हैं उसकी टेस्टिंग एंड क्वालिटी के कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज में भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसको इंडिया में बहुत सारे लोकेशन पे ये आपका कॉलेज आपका लोकेटेड है, यानी कि कई लोकेशन पे आपको ये कॉलेज मिल जाता है। हम बात करते हैं इस कॉलेज के कैंपसेस के बारे में, तो पहले आपको सबसे पहले इसका चेन्नई में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में इसके 37 लोकेशंस पे कॉलेज हो गए हैं और 5 मोर इसके कॉलेज अभी भी बनना है। हम अपने अगले स्लाइड में बताएंगे कि आपको इसके कॉलेज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं। अब एक नज़र डालते हैं कि इस कॉलेज में आपका जो सीपेट है, इसमें आपको कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें आपका सॉरी इसमें आपके कौन कौन से किस तरीके से कॉलेज को कैटेगराइज किया गया था, तो इसमें आपको बता दें कि 3 तरीके से कॉलेजेस को कैटेगराइज किया गया था। सबसे पहले आपका आता है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी IPT, सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS, स्कूल फॉर एडवांस रिसर्च इन पॉलीमर्स SARP। यानी कि 3 तरीके से अपने आपके कॉलेज को कैटेगराइज किया गया था, और कौन कौन से कॉलेज है मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं IPT की, तो IPT के कॉलेज आपको चेन्नई में मिल जाएगा, अहमदाबाद में मिल जाएगा, लखनऊ में मिल जाएगा, भुवनेश्वर में मिल जाएगा, कोची में मिल जाएगा, रायपुर में मिल जाएगा और जयपुर में मिल जाएगा। यानी कि IPT के कॉलेज इंडिया में इतनी जगह आपके अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं SARP के कॉलेज की, तो आपको SARP आपका चेन्नई में मिल जाएगा, भुवनेश्वर में मिल जाएगा और आपका बेंगलुरु में आपका SARP का कॉलेज मिल जाएगा। इसके 3 ही कॉलेज अवेलेबल हैं इंडिया में।
दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉलेज जो अवेलेबल हैं वो अवेलेबल हैं आपके सी एस टी एस के, यानी कि जो आपका सी पेट का सी एस टी एस प्रोग्राम है उसके सबसे ज़्यादा कॉलेज अवेलेबल हैं। कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं आपके? हैदराबाद में है, आपका भोपाल में है, इम्फाल में है, अमृतसर में है, मैसूरू में है, हाजीपुर में है, गुवाहाटी में है, हल्दिया में है, भुवनेश्वर में है और आपका औरंगाबाद में है। यानी कि लगभग आप देख सकते हैं कि आपका हर स्टेट में लगभग एक एक कॉलेज आपका अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको जयपुर में कॉलेज मिल जाएगा, मुरथल में मिल जाएगा, गुवाहाटी में मिल जाएगा, मदुरई में मिल जाएगा, बालासोर में मिल जाएगा, विजयवाड़ा में मिल जाएगा, वलसाड में है, आपका बद्दी में है, ग्वालियर में है, चंद्रपुर में है और रांची में है। यानी कि कुछ और स्टेट्स में लगभग आपको कॉलेजेस के मिल जाएंगे। और बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रांची के अलावा अगरतला, देहरादून और कोरबा में भी इसके कॉलेज मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बहुत ज़्यादा कॉलेज आपके अवेलेबल हैं, लगभग इंडिया के प्रत्येक स्टेट में इसका कॉलेज अवेलेबल है, जहाँ पे आप इसका जो एग्जाम होता है, एग्जाम के बारे में आपको सेपरेट वीडियो में बताएं बना के अलग से बताएंगे किस तरीके से आपको इसमें एडमिशन मिलता है, तो वहाँ पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों तो बात करते हैं कि इस कॉलेज के थ्रू आपको जो सीपेट कॉलेज है उनमें आपको कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें आपको डॉक्टरल की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट की डिप्लोमा आपका सॉरी डिग्री आपकी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इसको आपने जो कन्वेंशनल सीपेट के डिप्लोमा होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंडस्ट्री से स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं और इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑपरेटर लेवल प्रोग्राम भी आपके प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि आप यहाँ से डिग्री डिप्लोमा लगभग प्रत्येक चीज़ कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं वो हम आपको अगली स्लाइड में बताने वाले हैं। तो सर सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग में आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पीजीडी पीपीटी। ये आपका 2 ईयर यानी कि 4 सेमेस्टर का कोर्स है, कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप इसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इसमें अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको एक फुल टाइम का 3 ईयर्स डिग्री होना चाहिए साइंस में, ठीक है, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। और इसके अलावा इसमें आपको सिलेक्शन के लिए आपका जो सीपेट का एग्जाम होता है, जिसको हम कहते हैं सीपेट जेई यानी कि सीपेट ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलता है। देखते हैं इसमें और कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। तो अगले कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन विद कैड एंड कैम, और इसका कोड आपका है PDPMD विद कैड कैम। ये आपका 1.5 साल का यानी कि 3 सेमेस्टर का कोर्स है, कोई एज लिमिट इसके लिए आपकी नहीं रखी गई है। अगर हम इंट्री लेवल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक फुल टाइम का 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, जब मैकेनिकल में हो, प्लास्टिक पॉलीमर टूल प्रोडक्शन, मैकेट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल टूल एंड डाई मेकिंग, पेट्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और DPMT या DPT का कोर्स जो आपका सीपेट से करवाया जाता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर डिप्लोमा है तो ठीक है, नहीं तो आपका जो सीपेट से DPMT या DPT का कोर्स करवाया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। और एडमिशन लेने के लिए जो आपका सीपेट का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज में इसमें और अवेलेबल हैं। तो बढ़ते हैं अगले कोर्स की ओर। अगले कोर्स हमारा है डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, इसको हम कहते हैं DPMT, जो कि आपका 3 ईयर यानी कि 6 सेमेस्टर का कोर्स है, कोई भी एज लिमिट इसके लिए नहीं रखी गई है। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, यानी कि आपका सिंपल जैसा पॉलिटेक्निक वगैरह का डिप्लोमा होता है उसी तरीके से इसमें आपको 10th के बाद डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। इसके लिए आपको सीपेट का जो जेई एग्जामिनेशन होता है यानी कि सीपेट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये डिप्लोमा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो। इसके अलावा इसमें आपका एक और डिप्लोमा अवेलेबल है, वो है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं DPT। ये 3 ईयर्स एक 6 सेमेस्टर का कोर्स है, इसके लिए आपको 10th अगर आप पास हैं तो इसमें आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों कंफ्यूज मत होएगा, इससे पहले जो कोर्स था वो आपका था डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी और ये है आपका डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। दोनों कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, 10th के बाद आसानी से आपका एडमिशन मिल जाएगा, बस आपको जो सीपेट का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बारे में हम आपको सेपरेट वीडियो बना के बताएंगे। फाइनली बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में। तो इस कॉलेज में आपका प्लेसमेंट कैसे रहता है? अगर आपने एडमिशन ले तो लिया, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम रहती है प्लेसमेंट की वो कैसे रहती है, तो आपको बता दूं कि प्लेसमेंट आपका बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से मैंने जो डाटा निकाला है, इनके जो ऑफिशियल साइट है उस पर जो डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार ये हमको बताते हैं कि यहाँ पे 85 से 90% आपका प्लेसमेंट होता है। जो आपका 10 से 15% प्लेसमेंट बचता है वो ऐसा नहीं कि उन स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती है, वो स्टूडेंट या तो हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चले जाते हैं। यानी कि आपका इसमें 100% प्लेसमेंट आपका रहने वाला है। इसके अलावा इसमें आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, नैपको ग्रुप कंपनीज, आपका रेनॉल्ड्स, इन्वेंटर टेक्नोलॉजीज, SSF प्लास्टिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें विजिट करने के लिए आ चुकी हैं। दोस्तों प्लेसमेंट की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कंपनी विजिट करने के लिए हैं। इसमें आपका ऑटोमोटिव कंपनी अलग है, रनिंग एंड डायरेक्टिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंपनी आपकी अलग है, पैकेजिंग के लिए आपकी कंपनी अलग है, रॉ मटेरियल एंड मास्टर बैच के लिए कंपनीज आपकी अलग हैं। इसके अलावा आपका कंज्यूमर गुड्स की कंपनी अलग है, मशीन मैनुफैक्चरिंग कंपनी अलग है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी अलग है। यानी कि हर डिपार्टमेंट की आपकी अलग अलग कंपनी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने वो आपको बता दी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, उस आपका प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।